जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दो चीजें हुई, एक चीज तो ये हुई कि केसेस एकदम बड़े, 1 लाख से कम केसेस थे पहले वेव में, वी क्रॉस 4 लाख दिस टाइम। दूसरा द रेट ऑफ राइज वाज सो रैपिड कि हॉस्पिटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट गेट अ गुड टर्नओवर टाइम। ये मोर्टैलिटी रेट, डेथ मोर्टैलिटी रेट हाई होने का रीजन क्या है? यूके वेरिएंट में कुछ डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि इसमें मोर्टैलिटी भी थोड़ा ज्यादा होती है। इतने सारे पेशेंट को जितना ध्यान देना चाहिए था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया और उसके कारण भी थोड़ी मोर्टैलिटी हुई है। रेमडेसिविर का कोई ज्यादा डेटा नहीं है, इट इज नॉट दिस मैजिक बुलेट, लेकिन जो हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से लेसन सीखे हैं वो हमें भूलने नहीं चाहिए कि अगर आप एक शॉट भी वैक्सीन का लगाओ तो आपको 70-80% प्रोटेक्शन है। तो इसलिए एक शॉट से भी आपको 12 हफ्ते तक रीजनेबली गुड प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों वैक्सीन में बहुत अंतर नहीं है, दोनों के प्लेटफॉर्म अलग है। बहुत थकावट होनी, कमजोरी लगना, बॉडी एक होना, ये बहुत कॉमन है। 6 से 8 हफ्ते लगते हैं नॉर्मली, हम यही कहते हैं। बट करंटली द वरी इज द चिल्ड्रन आर नॉट वैक्सीनेटेड, they're also being protected because schools have been closed and therefore they are a vulnerable population. Luckily children by and large have a milder illness and therefore they don't get that severe illness. subah kabhi to aayegi wo subah kabhi to aayegi. Appeal to everyone that let's get together in this fight against COVID. We doctors will do our part, but I want the citizens to talk to their part. For finding time for all our listeners and viewers, it's a real, real important moment for us. And before I thank you for coming and doing this for us, I think aap log jo kar rahe hain hum sab ke liye wo it's more than commendable. I think hum match bhi nahi kar sakte, bas thodi koshish kar rahe hain ki aapki baatein logon tak pahuncha sake. So ye kehna to bilkul theek nahi rahega ki hum wave ke liye prepared nahi the, but yes, you are right. To some extent, wave caught us in an unexpected manner. वो इसलिए हुआ क्योंकि तीन चीजें हुई। एक तो चीज ये हुई कि जनवरी फरवरी में हमारे केसेस बहुत कम हो गए और कई लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अब कोविड खत्म हो गया, कोरोना वायरस है नहीं और इसलिए अब हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ऐसी हुई कि वैक्सीन भी साथ साथ रोल आउट हुआ तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि वैक्सीन लग जाएगी तो फिर कोविड नहीं होगा क्योंकि अब हमारे देश में वैक्सीन शुरू हो गई है। ये दोनों चीजें जो है इससे सॉर्ट ऑफ एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिए हमें 1 साल तो लगेगा ही क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। 1.3 बिलियन पीपल को अगर हमें वैक्सीनेट करना है तो उसमें तो हमें हमारे को काफी टाइम लगेगा। इट विल टेक अस ऑलमोस्ट अ ईयर, तो अभी इसलिए अभी हम प्रोटेक्टेड नहीं थे। दूसरा ये कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी था क्योंकि वायरस वो स्टिल लर्किंग। सबसे जो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई और जो हम कुछ हद तक लोगों को डर भी था वो ये था कि नवंबर दिसंबर में एक वेरिएंट जो यूके में सर्कुलेट कर रहा था, इट वाज कॉजिंग ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस। सदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में, केंट में बहुत ज्यादा सर्ज ऑफ केसेस हुआ था, उन्होंने लॉकडाउन भी किया था। ये तो ऑब्वियस ही था कि द वर्ल्ड इज नाउ अ स्मॉल विलेज, तो वेरिएंट्स विल ट्रैवल और इसलिए एट सम पॉइंट इन टाइम इन फरवरी और मार्च द वेरिएंट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, इट केम टू इंडिया। शुरू के डेटा में ये था कि अभी तो बहुत कम केसेस हैं, लेकिन वो रैपिडली ऐसा वाइल्ड फायर की तरह फैला कि दो इन तीनों चीजों से, लैक ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, undue confidence because of the vaccine and a very highly infectious variant which started circulating in India, in tino cheezon se cases rose in a very dramatic manner. Agar hum spike dekhe to first wave ki spike jo hai it is more gradual, agar hum is wave ki spike dekhe it is almost vertical,
दो चीजें हुई, एक चीज तो ये हुई कि केसेस एकदम बड़े, 1 लाख से कम केसेस थे पहले वेव में, वी क्रॉस 4 लाख दिस टाइम. दूसरा द रेट ऑफ राइज वाज सो रैपिड कि हॉस्पिटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट गेट अ गुड टर्नओवर टाइम. अगर यही 4 लाख आस्ता आस्ता बढ़ते तो हमारे पास टर्नओवर टाइम रहता कि जो लोग ठीक हो गए वो घर चले गए, फिर और लोग आ गए. लेकिन अगर इतने ज्यादा केसेस 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में आ जाए तो जो पहले दिन वाले आए थे अभी तक तो ठीक नहीं हुए कि उनको हम घर भेज पाए. बिल्कुल. इस कारण जो क्राइसिस भारत ने कुछ टाइम के लिए तो सहना पड़ा वो इन कारण. एंड सर ये वेरिएंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज गेटिंग लाइफ टेकिंग. पहले था कि लोग आईसीयू तक जा रहे बट बच के आने के, एज आई से द मोर्टैलिटी रेट वाज लेस, बट नाउ द डेथ मोर्टैलिटी रेट इज हायर इवन इफ वी कंटेन द वे इट इज इंक्रीजिंग. तो ये मोर्टैलिटी रेट, डेथ मोर्टैलिटी रेट हाई होने का रीजन क्या है? द पावर ऑफ द वायरस इज वेरी हाई एंड आगे जाके इन वेरिएंट का किस फॉर्म को हम देख सकते हैं, कैन वी प्रेडिक्ट दैट? ये कहना मुश्किल है कि वेरिएंट के कारण डेथ हुई या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेन के कारण डेथ हुई. लेट मी पुट इट इन अनदर मैनर. अभी तक जो डेटा आया है दैट डेफिनेटली सजेस्ट दैट दिस वेरिएंट इज मोर इन्फेक्शियस, बट स्टडीज अभी भी चल रही हैं कि इज इट कॉजिंग हाई मोर्टैलिटी. जो यूके वेरिएंट में कुछ डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि इसमें मोर्टैलिटी भी थोड़ा ज्यादा होती है. इट इज पॉसिबल दैट द वेरिएंट इज कॉजिंग हायर मोर्टैलिटी. बट आई थिंक अनदर कॉज ऑफ द हायर मोर्टैलिटी इज कि जब हमारे केसेस इतने ज्यादा बढ़े तो क्वालिटी ऑफ केयर केम डाउन. अगर आपके कैजुअलिटी में, जैसे हमारे कैजुअलिटी में 120-130 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, ऑक्सीजन पॉइंट्स कम है, आप ऑक्सीजन शेयर करा रहे हो, इतने सारे पेशेंट को जितना ध्यान देना चाहिए था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया और उसके कारण भी थोड़ी मोर्टैलिटी हुई है. तो इसलिए स्ट्रेन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, decrease in the quality of care which we should have given because but could not because of the huge number of cases which came suddenly, and the variant which also is probably causing higher deaths, all of this led to more deaths especially even in the younger age group. So ye to ek baat sahi hai ki is tarah deaths pichle wave ki tarah se kam zyada hue lekin cases bhi zyada hue, pehle se 4 guna zyada cases hue, to case fatality bahut zyada change nahi hui hai. पर कुछ एरियाज में केस फैटलिटी ज्यादा है. सर क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू अस इज कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बीच में एक पैनिक भगदड़ सी मच गई थी. देयर वाज नो रेमडेसिविर, देयर वाज कंप्लीट शॉर्टेज, देन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. अब WHO ने जो बोला है कि द एफिकेसी ऑफ रेमडेसिविर पे क्वेश्चन उठाया दैट इट इज नॉट गुड फॉर कोविड ट्रीटमेंट. तो ये इस तरह का जब बात आता है तो ये क्या है? ये कंफ्यूजन इन द मेडिसिन यूज, वर वी ट्राइंग, क्या हम ट्रायल एंड एरर कर रहे थे दवाइयों के साथ कि हमें पता नहीं कि WHO ने अब बोला कि रेमडेसिविर इज नॉट ग्रेट फॉर कोविड ट्रीटमेंट. सो अगर हम देखें, दिस इज अ न्यू वायरस, ट्रीटमेंट के बारे में हमें इतना आइडिया नहीं था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हम शुरू में दवाइयां यूज कर रहे थे, एंटी HIV ड्रग लाइक लोपिनोवीर, रेटिनोवीर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अब हम वो उनकी बात भी नहीं करते क्योंकि अब हमें ज्यादा डेटा आया कि देवर नॉट यूजफुल. रेमडेसिविर की बात करें तो जो इनिशियल ट्रायल्स हुई थी चाइना से, जो शुरू शुरू की ट्रायल्स आई थी, देवर ऑल नेगेटिव स्टडी, दे डिड नॉट शो इम्प्रूवमेंट. यस, स्टडी विच केम फ्रॉम USA, द एक्ट ट्रायल, उसमें यह आया था कि रेमडेसिविर से आपके हॉस्पिटल स्टे कुछ कम हो जाती है, 5 डेज कम हो जाती है, बट देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट एज फार एज डेथ इज कंसर्न. इसलिए इट वॉज नॉट फेल्ड टू बी अ मेजर ड्रग. जो WHO की स्टडी हुई, द रिकवरी ट्रायल, सॉरिडाइटरी ट्रायल ने क्लियरली ये दिखाया कि रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं हुआ. इसलिए WHO की गाइडलाइंस में रेमडेसिविर इज नॉट रियली रिकमेंडेड. ये सारा डेटा जो है इंडियन ग्रुप ने, इंडियन नेशनल टास्क फोर्स ने काफी डिटेल डिस्कस किया बिकॉज वी वर ऑल्सो नॉट कीन टू हैव रेमडेसिविर इन आवर गाइडलाइंस. फाइनली डिसीजन हुआ कि उसको एक अलग से बॉक्स में डाला जाए कि इट मे बी यूज बट इट हैज अनप्रूवन बेनिफिट. 3 मेडिसिन हैं जो हमने डाली हैं अनप्रूवन बेनिफिट में, उसमें एक रेमडेसिविर है, एक टॉसिजोलिमैब है, एक कन्वालेसेंट प्लाज्मा है. तीनों में डेटा जो है स्ट्रांग नहीं है. मॉडरेट जो पेशेंट्स हैं, मॉडरेट इलनेस वाले, उनको बेसिक ट्रीट करने के लिए 3 स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो ऑक्सीजन, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, 92, 90 या 88 हो रही है, उनको ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है जिससे टिश्यू ऑक्सीनेशन रहे. दूसरा है इन मॉडरेट टू सीवियर इलनेस जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, लो डोज स्टेरॉइड इज ऑल्सो यूजफुल, हाई डोज नहीं देना चाहिए.
और तीसरा है कि हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं बिकॉज यू नो कोविड से क्लॉटिंग ज्यादा होती है तो एंटीकोगुलेंट्स ब्लड थिनर देना जरूरी है। अगर हम ये तीन चीजें ही दें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बुखार की दवाई दे दी, खांसी है तो खांसी की दवाई दे दी, कुछ डेटा आया है कि एक इन्हेलर अगर हम दे सकते हैं जिसमें एक दवाई है ब्यूटिसोनाइड वो भी हेल्प कर सकती है तो वो हम ऐड कर सकते हैं एज ए इन्हेलर। यही मेन चीजें हैं ट्रीटमेंट में। रेमडेसिविर का कोई ज्यादा डेटा नहीं है, इट इज नॉट दिस मैजिक बुलेट, लेकिन क्योंकि उसका नाम इतना पॉपुलराइज हो गया कि ले पब्लिक में भी और कई दफा लोग भी प्रेशर डालते हैं कि रेमडेसिविर दे दो। रेमडेसिविर इज ओनली यूजफुल इफ एट ऑल इन मॉडरेट इलनेस इन अर्ली स्टेज 5th to 7th day में, जब आप ये कह रहे हो कि हम वायरल रेप्लिकेशन को रोकना चाह रहे हैं और उन्हीं में ये थोड़ा सा फायदा करते हैं जिनकी ऑक्सीजन कम हो, अर्ली डिजीज हो, लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हो, सैचुरेशन आपकी कम हो रही हो, लेकिन उसमें भी ऐसा ज्यादा फायदा नहीं है, हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो सकता है। सर हमें एक क्वेश्चन आया नेहा जैन कोलकाता से, शी वांट्स टू नो कि डॉक्टर्स काफी कंफ्यूज कर रहे ट्रीटमेंट में कि अगर कोविड पेशेंट है स्पेशली एल्डरली पेशेंट हो या जिनका केस थोड़ा माइल्ड से ज्यादा है, दे आर कंफ्यूजिंग वेदर स्टेरॉइड्स देना है कि नहीं। वन टीम ऑफ डॉक्टर्स सेज प्लीज स्टेरॉइड्स दे, वन टीम इज सेइंग स्टेरॉइड्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाउ डज वन नो विच इज द राइट ट्रीटमेंट? तो इसमें बड़ा सिंपल है, मैं आपको हमें ये समझना चाहिए और मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करके फिर आई विल टेल यू व्हेन इट इज व्हाट इज द इंडिकेशन। हमारा जो कोविड इन्फेक्शन है इट इज व्हाट आई वुड कॉल इज अ बायफेजिक इलनेस। दो फेजेस हैं इसके। पहला फेज है जब वायरस बॉडी में रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको बुखार हो रहा है, जुकाम, नजला, गले में दर्द है, खांसी हो रही है, उस टाइम में वायरल रेप्लिकेशन के टाइम में स्टीरॉयड्स देने से नुकसान ही है क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे हो स्टीरॉयड से, वायरस और ज्यादा रेप्लिकेट करेगा और ज्यादा इन्फेक्शन होगी, निमोनिया के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये जो रिकवरी ट्रायल है उसमें क्लियरली दिखाया था कि सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड वर्सनिंग वाज मोर व्हेन स्टीरॉयड्स वर गिवन अर्ली। तो पहले फेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, पर इस वायरस में एक सेकेंड फेज भी होता है जो और कई वायरसेस में नहीं होता, जैसे इन्फ्लुएंजा में नहीं देखते, इन्फ्लुएंजा में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है। इस वायरल इन्फेक्शन में कोविड में एक सेकेंड फेज भी होता है जहां पे ऐसा होता है कि वायरस अब कम हो गया है, वायरस रेप्लिकेशन कम हो रही है, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिसरेगुलेट हो गया है, हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो रहा है, आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा हो रही है और आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो देने से अपने इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को कम करने की जरूरत है, नहीं तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चले जाओगे, बॉडी खुद ही लंग्स में डैमेज करना शुरू कर देती है और एरियाज में करना शुरू कर देती है एज अ रिस्पॉन्स टू द वायरस दैट इट स्टिल थिंग्स की बॉडी में है। उसको रोकने के लिए स्टीरॉइड्स आर वेरी यूजफुल एंड देयरफॉर दे कैन बी लाइफ सेविंग। तो उस स्टेज में जब आपकी ऑक्सीजनेशन कम हो रही है या मॉडरेट इलनेस है या सीवियर इलनेस है या लेटर पार्ट ऑफ द इलनेस है, जब आपको बुखार हो रहा है, आपकी सैचुरेशन डाउनवर्ड ट्रेंड जा रही है, तब स्टीरॉइड देने का फायदा, वो भी लो डोज में। High dose steroid again can cause side effects. Therefore, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम early stage में steroids दे देंगे, तो it will cause more viral replication, worsening of disease. Secondly, what is now emerging, especially अगर हम diabetics को steroids दें ज़्यादा, और उनको साथ में COVID भी हो, तो उनको बाद में fungal infection के chances भी बढ़ जाते हैं। Oh my God. पर mycosis कहते हैं black fungus, क्योंकि उसमें तीन चीजें, उसके भी तीन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि COVID ब्लड में आपके लिम्फोसाइट्स कम करता है। अगर आप अपना ब्लड रिपोर्ट देखें कोविड पेशेंट का, तो उसके लिम्फोसाइट्स कम होते हैं। उसका मतलब कि आपको लिम्फोपेनिया हो रहा है, लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं और आपके ब्लड एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। एंड तीसरा, अगर आप स्टीरॉयड्स ले रहे हो तो स्टीरॉयड से शुगर भी बढ़ जाएगी, कई उनकी शुगर 400-500 हो जाती है, और स्टीरॉयड ऑल्सो प्रमोट फंगल इन्फेक्शन। So combination of misuse of steroids, background of diabetes and COVID infection is now leading to fungal infections known as mucormycosis. और कुछ states तो अब report कर रहे हैं कि उनके state में 400 से 500 ऐसे cases हैं जिनको COVID हुआ और अब उनको fungal infection हो गया, जिसके कारण कुछ patients की eyesight भी चली गई, they have lost their vision, और इसकी treatment में बहुत लंबा course of antifungal और surgery करनी पड़ती है, तो इसलिए better to prevent it rather than having fungal infections. A vaccinated person ya jinko covid ho chuka hai unka contagious hona kitna hai, how much are they contagious, kitna easily transmit ho sakta hai unse virus ab aage jaake?
अगर आपको वैक्सीन लग गया, मान लो पहला डोज लगा है या दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद तब भी कोविड हो गया है, तो आप अगर आपको इन्फेक्शन होगा यू कैन स्टिल बी इन्फेक्शियस. जो वैक्सीन का इफेक्ट है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिजीज, मे नॉट प्रोटेक्ट यू दैट मच फॉर इन्फेक्शन. ये समझना जरूरी है कि दोनों के बीच में फर्क क्या है. डिजीज का ये मतलब कि अगर आपको कोविड हुआ तो आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, आईसीयू की एडमिशन नहीं होगी, आपको इफ एट ऑल एसिम्प्टोमेटिक रहोगे या माइल्ड. इन्फेक्शन का ये मतलब हुआ कि आपको जब आपको किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ एक्सपोज हुआ, आप एक्सपोजर हुआ, आपका वायरस गले में या नाक में रेप्लिकेट कर सकता है और आप इन्फेक्शियस हो सकते हो, आपका आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव हो सकता है. लेकिन क्योंकि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं वैक्सीन के कारण, वो वायरस को आगे नहीं फैलने देंगी, उसको रोक लेंगी और इसलिए आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी. लेकिन उस टाइम के लिए आप इन्फेक्शियस भी होंगे, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी पॉजिटिव हो सकता है. इसलिए बहुत जरूरी है. दूसरों के लिए कितना डेंजरस है अगर मैं वैक्सीनेटेड हूं और मुझे कोविड, बहुत जरूरी है कि आप अपने नियर और डियर वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम हो या कोई भी ऐसा लक्षण हो जो आपको लगे कोविड के हो सकते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि आप दूसरों को इन्फेक्शन ड्यूरेशन में भी लेस, यू मे नॉट बी दैट इन्फेक्शियस बट इट इज नॉट जीरो, यू विल ऑल्सो बी इन्फेक्शियस टू सम एक्सटेंट. अभी जो कुछ स्टडीज आ रही हैं वो ये शो करती है कि वैक्सीन ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, तो इट इज लाइकली दी कि आपको इन्फेक्शन कम होगा. लेकिन टू प्रोटेक्ट अदर्स इट इज बेटर टू वेयर अ मास्क एंड आइसोलेट योरसेल्फ अगर आपको कोविड की सिम्टम्स हो. सर एक क्वेश्चन, सब आई थिंक आई हैव गॉट ज्योति और मनीष कुशाल का फ्रॉम बॉम्बे एंड ज्योति फ्रॉम दुर्गापुर राइटिंग की, थर्ड वेव के लिए हम वैक्सीन से कितना प्रोटेक्टेड और प्रिपेयर्ड हैं, हाउ मच आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव विद द वैक्सीन ड्राइव वी हैव. अभी शॉर्टेज है तो उसको लेके भी तनाव है, बट हम कितना प्रिपेयर्ड हैं थर्ड वेव के लिए. हमें अभी तो फर्स्ट सेकेंड वेव कम होना तो कहीं कुछ एरियाज में शुरू हुई है, पहले तो हम सेकेंड वेव से निकले. लेकिन जो हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से लेसन सीखे हैं वो हमें भूलने नहीं चाहिए. सबसे पहला लेसन है कि अभी कोविड कहीं नहीं गया, कोरोना वायरस सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ जो है वो कम करें, क्राउड्स को रोकें, वो अभी भी बहुत जरूरी है जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर लेते. दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन हमें पूरी तरह से आगे ले जानी है. उसके लिए अभी जो मोर देन 45 इयर्स वाले लोग हैं अभी भी उनका भी पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट उनको आगे आके अपने पूरी वैक्सीनेशन कराएं. वैक्सीन हेजिटेंसी है, स्पेशली रूरल इंडिया में, गांव में लोग अभी भी आगे आके वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं. yes. जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनको जरूर वैक्सीन लगाना चाहिए. और देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन कि हम वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाएं. जो yes. इंडिया में वैक्सीन बननी शुरू हुई, अब 3 वैक्सीन बन रही हैं, कोविशील्ड, yes. कोवैक्सीन और स्पुटनिक, और कई मैन्युफैक्चरर्स अब उनके साथ टाई अप करके अपने प्लांट्स लगा के वैक्सीन बना रहे हैं, और बाहर से भी कुछ वैक्सीन के साथ देयर इज कम्युनिकेशन गोइंग ऑन कि हम बाहर से भी अगर वैक्सीन ला सके. तो मेरा मानना है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में हमारे पास वैक्सीन के डोजेस अच्छे हो जाएंगे, और उसके बाद वी विल बी एबल टू ओपन अप वैक्सीनेशन टू अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ पीपल. अगर हम ये अग्रेसिवली कर लें और लोग आके वैक्सीन लगाएं, तो हमारी थर्ड वेव जो है वो इतनी बड़ी नहीं होगी और उसको हम आराम से कंट्रोल कर पाएंगे. सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, आई थिंक करण फ्रॉम दिल्ली इज आस्किंग दिस, की डोज को लेके बहुत कंफ्यूजन है वैक्सीन के, कि अगर यू नो इट कि पहले गाइडेंस आया था 6 से 8 वीक के गैप पे कोविशील्ड को लेके, फिर 12 से 16 वीक, फिर वो रिवाइज होके 6 से 8 में चला गया. तो अब कोई दो क्वेश्चंस है यहाँ पे कि कितने गैप में होना चाहिए, वो गैप क्या एग्जैक्ट मेंटेनेंस जरूरी है, 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते लेट कितना हानिकारक है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज रियली कंफ्यूजिंग इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन. कोवैक्सीन का जो डोज है वो तो उस वही है, और वो अगर हम कहते हैं 4 हफ्ते तो 4 से 6 हफ्ते का गैप है. तो आप ऐसे नहीं है कि 4 हफ्ते बाद एग्जैक्टली लगाना है, 4 हफ्ते के बाद आप 1 हफ्ता भी डिले हो जाएं तो वैक्सीन लगाएं, उससे कोई उसकी एफिकेसी पे फर्क नहीं पड़ेगा. ज्यादा डिले ज्यादा बेहतर. ज्यादा कोवैक्सीन पे ऐसा डेटा नहीं है, कोविशील्ड पे ऐसा डेटा. और कोविशील्ड पे पहले जो हमारा रिकमेंडेशन था वो 6 से 8 हफ्ते था, लेकिन जो डेटा अब आ रहा है
लैंसेट स्टडी से और यूके से और देशों से, उन्होंने ये देखा है कि हम हमें जो वैक्सीन की ड्यूरेशन हम बढ़ा रहे हैं तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। एक तो ये होता है कि जिसको एक शॉट लगा है उसको कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम एक शॉट लगा के 12 हफ्ते का वेट करें तो उन लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, तो फिर तो एक फिर जल्दी लगानी चाहिए। तो ये जो डेटा है वो ये शो करता है कि अगर आप एक शॉट भी वैक्सीन का लगाओ तो आपको 70-80% प्रोटेक्शन है। तो इसलिए एक शॉट से भी आपको 12 हफ्ते तक रीजनेबली गुड प्रोटेक्शन मिल जाती है। 100% तो नहीं है लेकिन इट इज रीजनेबली गुड, एक्सेप्टेबल है। दूसरा ये है कि अगर हम 4 हफ्ते के अंदर कोविशील्ड लगाएं तो हमारी जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो 55-60% ही है, लेकिन अगर हम 12 हफ्ते बाद लगाएं तो वो 80-85% हो जाती हैं। अच्छा, इसके जो हम प्राइम डोज है जो हम कहते हैं पहला डोज और जो बूस्टर डोज है उसमें थोड़ा अंतर ज्यादा कर दें तो बॉडी का इम्यून सिस्टम गेट्स टाइम टू रियली गेट रेडी और बूस्टर इफेक्ट ज्यादा रहता है। इन इस दोनों चीजों को देखते हुए और दूसरी चीज ये भी देखते हुए कि वैक्सीन इस पॉलिसी से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाएगी, इसको देखते हुए जो ड्यूरेशन है कोविशील्ड का वो 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है विच इज बेस्ड ऑन द लिटरेचर विच हैज कम रिसेंटली बट ऑल्सो लुकिंग एट हाउ वी कैन वैक्सीनेट मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि हमारे तो वी आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज नंबर ऑफ केसेस। और ये स्ट्रेटजी जो है वो यूके ने की थी जब उनके यही वाला वेरिएंट जब बहुत वहां फैल रहा था, और अब उनके केस फेटलिटी और केसेस तो बहुत कम हो गए हैं, पॉजिटिविटी रेट लेस देन 1% है। यस सर, विद वैक्सीन ओनली देयर इज अ कंफ्यूजन कौन सा बेहतर है, कोवैक्सीन कोविशील्ड। अभी एक और बातें आने लगी है कि कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड थिनिंग हो सकता है। हाउ वुड वी चूज बिकॉज द प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट। कोवैक्सीन पुराने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना है, कोविशील्ड में स्पाइक्स यूज हुए हैं, तो एक आम आदमी कैसे समझेगा मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, बिकॉज केसेस दोनों तरफ बिक रहे हैं सर। देयर हैव बीन केसेस की दोनों में बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये बात सही है कि 100% प्रोटेक्शन तो कोई वैक्सीन नहीं देती, लेकिन ये बात सही है कि दोनों वैक्सीन में बहुत अंतर नहीं है, दोनों के प्लेटफॉर्म अलग है। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस, जो होल वायरस का इनएक्टिवेटेड पार्ट है, जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म है, और वैक्सीन के लिए भी यही प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। जो कोविशील्ड है इट इज अ वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म की एक चिंपैंजी एडिनो वायरस का प्लेटफॉर्म लेके उसमें स्पाइक प्रोटीन जो है उसका पार्ट डाल के वो बॉडी में दिया जाता है, इसलिए दैट इज अ न्यू प्लेटफॉर्म। लेकिन एफिकेसी वाइज दोनों का एंड रिजल्ट वही है कि वो बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं कि वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएं, और वो उनका टाइटर जो है जो स्टडीज में आया है दोनों में अच्छा बनता है, यानी कि प्रोटेक्शन इज गुड इन टर्म्स ऑफ एंटी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और जो हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और मेमोरी सेल स्टिमुलेशन, वो तीनों चीजें दोनों वैक्सीन में अच्छी हैं। क्योंकि हम अभी इस सिचुएशन में हैं कि हमें वैक्सीन सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगानी चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि जो आपको वैक्सीन मिल रही है उसको आप जल्दी से जल्दी लगा लीजिए, क्योंकि इट विल गिव यू प्रोटेक्शन, इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग सीवियर डिजीज। इसलिए वी कैनॉट बी दैट चूजी राइट नाउ, जो मिल रही है वो लगा लें। अब तीसरी वैक्सीन स्पुटनिक भी आ जाएगी विच इज ऑल्सो वायरल वैक्टर वैक्सीन, लेकिन उसमें जो रिनो वायरस है पहले डोज और दूसरे डोज में अलग है। तो द फर्स्ट डोज जैसे अब कोविशील्ड में तो फर्स्ट और सेकेंड डोज सेम है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो वेक्टर है वो थोड़ा अलग है, लेकिन दैट इज अ वायरस वैक्सीन विच इज गिवन आफ्टर 21 डेज। तो इसलिए जो वैक्सीन मिल रही है उसका पूरा जो साइकिल है उसको फॉलो करके हमें लगाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्शन मिले और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाए। सर, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द पोस्ट कोविड रिकवरी। जो कोविड पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये तो अपोलो में मिस्टर सुधा सत्वर डॉक्टर जी ने पूछा कलकत्ता में कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप कोविड पॉजिटिव होके रिकवर कर चुके हैं आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, हाउ सेफ इज दैट एंड क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो अगर तो अभी देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट एज टू द यूज ऑफ व्हाट वी कॉल कन्वलेसेंट प्लाज्मा। अगर हम किसी कोविड पर्सन जो रिकवर हो गया है वो अपना प्लाज्मा देना चाहें किसी को जो जिसको कोविड इन्फेक्शन है, तो आपको यूजली वी हैव टू यू हैव टू वेट फॉर 28 डेज। और वो इसलिए है कि एक तो आप कोविड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आप में, यू मस्ट बी नेगेटिव,
दूसरा ये कि आपके कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि एंटीबॉडीज अच्छे मात्रा में बन जाए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लाज्मा की टेस्ट होनी चाहिए कि आपके प्लाज्मा जो है उसमें गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है या नहीं है। हर एक प्लाज्मा में नहीं होती। अगर हम सब लोगों का प्लाज्मा देखें तो कई लोग हैं जिनमें प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनी तो है लेकिन उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि हम ये कह पाए कि ये इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा विच कैन बी गिवन। दैट इज वाई देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी एज टू हाउ यूजफुल इज प्लाज्मा। दूसरा ये कि प्लाज्मा देने का अगेन टाइमिंग क्या है, क्योंकि कोविड की ट्रीटमेंट में बिसाइड्स ड्रग्स टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको स्टीरॉइड्स के बारे में बताया कि रेमडेसिविर जो है वो अर्ली देना चाहिए। प्लाज्मा इज गिविंग पैसिव इम्यूनिटी, उसके एंटीबॉडीज जो है वो आपके ब्लड में जाके वायरस की रेप्लीकेशन को रोकेंगे बिकॉज वो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है। अगेन प्लाज्मा भी अगर हम अर्ली स्टेज में दें मॉडरेट इलनेस में तभी उसका फायदा है। जब आपके बॉडी में खुद ही एंटीबॉडीज बन गई हैं वो 8-10 दिन बाद बन जाएंगी तब प्लाज्मा देने से कोई फायदा नहीं है। अर्ली इन द डिजीज विद प्लाज्मा विच हैज गुड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टाइटर इज ओनली यूजफुल, और उसमें भी काफी डिबेट है। इसलिए यूटिलिटी ऑफ प्लाज्मा इज स्टिल बीइंग क्वेश्चन्ड, और अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें अगेन इट इज इन द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बॉक्स वेयर इट इज सेड कि इट मे नॉट बी दैट यूजफुल। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा था वो तीन स्ट्रेटजीज जो है ऑक्सीजन स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट इज द मेन ट्रीटमेंट। अगर आप यही में तीन चीजों करेंगे तो इसी से फर्क पड़ेगा आपके पेशेंट्स में। और जो सब चीजें हैं रेमडेसिविर टॉसिजुलिमैब प्लाज्मा इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा सर ब्लड डोनेट कर सकते हैं इज दैट सेफ फॉर एनी कोविड और रिकवर्ड पेशेंट? आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अगेन वेट फॉर एटलीस्ट 28 डेज सो दैट यू आर डेफिनेटली नेगेटिव and you don't have viral infection, then you can donate blood. Blood Bank Society has given guidelines. They had initially said 28 days, but I think now they are decreasing it to 2 weeks after recovery. पहले वाली guideline में 28 days था। तो अब ये inhale करना और इस तरह की जो घर की हम चीजें काढ़ा पीना ये सब ले रहे थे protection, अब उसका कितना importance रह गया, क्या करना चाहिए daily basis पे? तो जो हम घरेलू नुस्खे की बात करें चाहे वो काढ़ा पीना हो या और जो लोग करते हैं भाप ले रहे हैं गरारे कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हम मैं ये कहूँ कि इसमें बहुत स्टडीज हुई हैं साइंटिफिक डेटा है कि इससे वायरस मर जाता है, लेकिन कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता है, आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो योगा करो अपने सॉर्ट ऑफ डाइट ठीक रखो उससे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहेगा और वायरस से भी कुछ हद तक फाइट कर पाएगा। लेकिन ये कोई साइंटिफिक मैं कहूँ कि इसमें बहुत ज्यादा स्टडीज हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है इसलिए हम घर पे ये घरेलू तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। सर टुवर्ड्स द एंड ओनली वी आर मूविंग, लेकिन एक क्वेश्चन है हैदराबाद से पवन अग्रवाल का कि उनको वो कोविड पॉजिटिव रहे और वो रिकवर किए बहुत मुश्किल से जैसे भी निकले, अब वो एंक्शियस हो गए हैं, कोई भी चीज करने से आदमी को डर होता है और ये डर है कि रिलैप्स नहीं हो जाए, कितने चांसेस हैं रिलैप्स के और स्टैमिना लोगों का खत्म हो गया सर आफ्टर कोविड, जितना भी विटामिन ले लीजिए आप एक महीने तक, सो इस फियर का क्या किया जाए? पहले तो मैं उनको कहूंगा कि वो घबराए नहीं, चांसेस ऑफ रिलैप्स इज वेरी लो, रीइंफेक्शन जो हम कहते हैं रिलैप्स तो नहीं कि रीइंफेक्शन के चांसेस बहुत कम है। गुड डेटा सजेस्ट कि एटलीस्ट फॉर 6-8 मंथ्स अगर आपको कोविड हुआ है और स्पेशली अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस हुई है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बनती हैं विच गिव्स यू लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। लेकिन पोस्ट कोविड सीक्वल जो है दैट इज आल्सो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कई हॉस्पिटल्स ने हमारे हॉस्पिटल में भी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के क्लिनिक्स शुरू किए हैं और मल्टीपल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कुछ तो है जेनरिक सिम्टम्स जैसे आपने कहा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, बहुत थकावट होनी कमजोरी लगना बॉडी एक होना ये बहुत कॉमन है, 6-8 हफ्ते लगते हैं इसमें ठीक होने में। नॉर्मली हम यही कहते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करो योगा करो मल्टीविटामिन्स लो हरी सब्जियां लो फ्रेश फ्रूट्स लो। ये दूसरी ये होता है कि कई लोगों को होता है ब्रेन फॉग जो हम कुछ लोग जनरल टर्म में यूज करते हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वो कहते हैं कि पहले तो मैं काफी देर कॉन्सेंट्रेट कर लेता था अब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ मुझे टेंशन हो जाती है नहीं आ रही। These are all also features of post-COVID sequelae for which some degree of treatment is required. Meditation भी कहते हैं लोगों को करने के लिए उससे भी फर्क पड़ता है, कभी कभी इसके लिए कुछ दवाई भी लेनी पड़ती है। कई दफा आपके किसी organ में damage हो जाता है जिसको हम कहते हैं
लंग्स में डैमेज हो गया आपको, बहुत सवेर नमोनिया हो और लंग में डैमेज हो गया आपको, फिर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, या हार्ट में डैमेज हो गया, हार्ट कमजोर हो गया तो सांस चढ़ने लगता है, उसके लिए कुछ हद तक दवाई लेनी पड़ती। तो ये अब ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज भी बनाई जा रही है। सर एक बहुत ही अजीब चीज है जो मैंने मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, अ लॉट ऑफ कार्डियक अरेस्ट केसेस आर कमिंग डिस्पाइट पेशेंट्स बीइंग इन कोविड रिकवरी स्टेज रिकवर्ड। इज इट रेलेवेंट ये कि हमारा भ्रम है कि हम इतना केस सुनते हैं कि कोविड थे रिकवर कर गए बट इज नो मोर विद कार्डियक, सो इसका कोई रेलेवेंस है क्या सर? नहीं, कुछ हद तक है, मैं ये तो नहीं मैं कहूंगा कि ये बहुत कॉमन है, बट हमारे यहाँ भी है। हम कई दफा हमारे पेशेंट रिकवर कर रहे होते हैं और फिर बाथरूम जाते हैं और वहीं पे कलैप्स कर जाते हैं और एकदम कार्डियक इवेंट हो जाता है। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हुए पिछले हफ्ते, तो हमारे एक स्टाफ वर्कर ही था, ही वॉज ऑल राइट, ही वॉज, उसने अपने घर भी टेलीफोन किया कि अब मैं वापस आऊंगा, मैं ठीक हो गया हूँ। रात को वो बाथरूम गया, वहां पे उसने थोड़ा स्ट्रेन किया और स्ट्रेन करने से हो सकता है ऑक्सीजन कम हुई हो या हार्ट पे जोर पड़ा हो और एकदम उसको हार्ट अटैक हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड में कुछ हद तक हार्ट पे असर पड़ता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यू मस्ट नॉट ओवर एग्जर्ट योरसेल्फ। हम तो कई पेशेंट को ये कहते हैं कि ऐसे नहीं कि अगर आप कोविड से ठीक हो गए तो अब आप दौड़ना शुरू कर दो, टेक इट इजी, रेस्ट करो, ओवर एग्जर्ट नहीं करो, स्पेशली जैसे आप टॉयलेट जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, क्योंकि आप एकदम लेटे लेटे खड़े होके एकदम चल के बाथरूम जाते हैं, पेन पड़ जाता है, उठो बैठो थोड़ी देर के लिए, खड़े हो एक दो मिनट के लिए, फिर बाथरूम जाओ, आराम से बैठो अगर आप वहां पे हो, और वहां पे भी आते हुए आराम से आओ। शुरू शुरू में अगर आपको ज्यादा कमजोरी है तो किसी को बोलो आपके साथ जाए, समवन कैन एकॉम्पनी यू। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एकदम कोविड नेगेटिव हुए तो ये नहीं सोचते कि हम एकदम फिट हो गए। जैसे हम कह रहे थे पोस्ट कोविड भी कई सीक्वल होते हैं जो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर एक क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल आया है, बट ये है कि 2DG कोविड ड्रग विल बी इंक्लूडेड इन द क्लिनिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड डिजीज, आर वी लुकिंग टू दैट? एंड आई विल क्लब इट सर कि व्हाई इमरजेंसी ऑथराइजेशन हैज नॉट टेकन मोलनीपिराविर इनटू द प्रोटोकॉल ऑफ कोविड ड्रग। तो 2DG इज अ ड्रग जो यहां DRDO ने और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने बनाया है, व्हिच इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ work against the viral replication. 2DG is like a glucose. The virus needs glucose to multiply. This glucose which we give then doesn't allow the virus to multiply once the virus takes up this glucose, because it then interferes with viral replication. So there is some lab data and some early studies which show that ki iska fayda ho sakta hai. Ab ye jo drug hai India mein available hai, iska thoda aur data aa jayega clinical trials mein ki iska kitna use hai. बट मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में ये सैशे के फॉर्म में आता है, जैसे एक सैशे आता है पानी में घोल के या पेशेंट्स को दे सकते हैं। दूसरा ड्रग जो है मोलनीपिराविर जो है, अभी डेटा इतना नहीं है, इसमें कुछ स्टडीज हुई हैं लेकिन अभी तक इसमें ना DCGI अप्रूवल मिला है ना इसमें कोई लार्ज स्केल स्टडीज है, अभी इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स ही हो रही है। जैसे जैसे ज्यादा डेटा आएगा टू शो कि इट इज यूजफुल, देन इट विल बी गिवन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अभी तो इट इज नॉट इवन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड सर। आप लोगों ने IMA ने ICMR ने फुल लॉकडाउन की डिमांड की थी, जरूरत है अब क्योंकि स्टेट्स ने अपना काम किया है, डू यू थिंक वी स्टिल नीड दैट काइंड ऑफ अ ब्रेक द चेन मैकेनिज्म अगेन? सो वी नीड टू ब्रेक द चेन एंड आई स्टिल वुड से कि इट हैज टू बी डन एट अ रीजनल लेवल। ऐसा नहीं है कि हमें पूरे देश को करने की जरूरत है, क्योंकि कंट्रीज बिहेविंग डिफरेंटली। अब जैसे हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं, कुछ हद तक ऐसे लग रहा है कि सेंट्रल इंडिया में दिल्ली और उन एरियाज में भी केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन साउथ में और ईस्ट में अब केसेस बढ़ रहे हैं। जहां जहां पे आपकी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, 5% से ज्यादा है, यहाँ जहाँ पे आपके 60% से ज्यादा कोविड बेड्स भर गए हैं, वहां पे लॉकडाउन कंटेनमेंट करना बहुत जरूरी है। That is very important because that means कि आप ऐसी stage में पहुंचने वाले हो जहाँ पे आपके hospitals भर जाएंगे, oxygen की कमी हो सकती है, या आपकी chain of transmission अभी रुकनी थी क्योंकि आपकी positivity rate उस area में बहुत ज्यादा है। कुछ scientific criteria लेके, चाहे वो city हो, चाहे district हो, चाहे state हो, वहाँ पे एक type का lockdown होना चाहिए। And this is very important nowadays क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो COVID infection है, now it is spreading also to rural India. पहले ज्यादातर ये
शहरों में थी बीमारी थी, पर अब अगर हम डेटा देखें तो गांव में भी बीमारी ये फैल रही है, उसका उसको भी रोकने के लिए एरियाज जहां पे इसकी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां पे लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है। सर ऐसा भ्रम था ना कि रूरल एरिया में इम्यूनिटी ज्यादा होता है उन लोगों की, बट वो टूट गया क्योंकि लास्ट टाइम धारावी रिपोर्टेड अ ड्रॉप डाउन इन द केसेस, सो वी स्टार्टेड बिलीविंग इंडिया विल नेवर ग्रो इनटू द थर्ड टियर फोर्थ टियर लेवल, बट आई थिंक वी फेल दैट। सर ब्लैक फंगस के बारे में आप कुछ बताते जाएं तो बहुत होगा, बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज आ रही है सॉइल से हो रहा है, फूड से हो रहा है, सो कुछ सिंपल वे में अगर आप बता सके। तो मैंने उसको उसका थोड़ा जिक्र किया था, ब्लैक फंगस इज व्हाट वी कॉल म्यूकर माइकोसिस। ब्लैक इज एक्चुअली अ मिसनोमर, बट जो ये फंगस है ये सॉइल में भी पाया जाता है, हवा में भी है, फूड में भी हो सकता है, लेकिन इट इज यूजली अ वेरी लो वायरलेंट वायरस। कई लोगों को अगर वो वायरस हो, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो ये इन्फेक्शन ये फंगस इन्फेक्शन नहीं करेगा। सो इट्स अ लो वायरलेंट फंगस और ये सॉइल में भी होता है और इससे इन्फेक्शन के चांसेस इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन बहुत कम होते हैं। कोविड से पहले हम इस फंगल इन्फेक्शन को देखते थे स्पेशली इन दोज हु हैड डायबिटीज या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ था और वो ट्रांसप्लांट के कारण इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे थे, या कैंसर वाले पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी लग गई। आम आदमी में ये देखा नहीं गया जाता था, इट वॉज वेरी रेयर, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हुआ है क्योंकि कोविड में जैसे मैंने पहले कहा कि तीन चीजें ऐसी होती हैं जो इस फंगस को ज्यादा प्रमोट करती हैं। एक तो कोविड इन्फेक्शन खुद ही, क्योंकि वो आपकी लिम्फोसाइट्स कम करती हैं जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा अगर आपको अंडरलाइन डायबिटीज है, बिकॉज डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं है तो वो एकदम फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करती हैं। और तीसरा मिसयूज और यूजिंग हाई डोज स्टीरॉयड्स स्पेशली फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टीरॉयड्स का ड्यूरेशन भी मतलब उसकी इंडिकेशन हो तभी देना चाहिए, माइल्ड टू मॉडरेट डोज में, और सिर्फ 5 से 7 या 10 दिन तक, उससे ज्यादा देने का फायदा नहीं है। अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए स्टीरॉयड्स दें, बहुत हाई डोज में दें और डायबिटिक्स को दें तो उनमें ये फंगल इन्फेक्शन जो म्यूकर माइकोसिस है ये होने का डर रहता है। बेसिक एम शुड बी हम प्रिवेंट करें। प्रिवेंट करने के लिए बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी को भी डायबिटीज है शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा करें, अगर किसी को लगता है कि हो सकती है तो अपना शुगर मॉनिटर करें, स्पेशली जब कोविड 19 इन्फेक्शन है। साथ में स्टीरॉयड्स का डोज अपना ध्यान से लें, डोंट बी ओवर अग्रेसिव इन टेकिंग स्टीरॉयड्स। कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अगर कोविड के बाद अगर आप डायबिटिक हैं, आप स्टीरॉयड्स लिए हैं और आपको नाक में जैसे लगे कि हेडेक हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, या नाक से सिक्रीशंस आ रही हैं, या ब्लड आ रहा है, या नाक में क्रस्टिंग हो रही है, नाक बंद हो रहा है, या मुंह के अंदर कोई जख्म से बन रहे हो, या फिर आपके चेहरे में थोड़ा सा सेंसेशन कम हो, या आई विजन में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा हो, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और टेस्ट कराएं। फेफड़े में अगर ये हो तो खांसी हो सकती है, खांसी में ब्लड आ सकता है, या बुखार से हो सकता है, तो तब भी आप अपनी जाँच करें क्योंकि इसका ट्रीटमेंट फिर बहुत जरूरी है। She's from Delhi, Chetna. Fatafat, agar aap, you can put through the questions that are left and we can allow sir to go back. Okay, hello sir. Thank you so much for your time. Sir, basically, there are a lot of cases and there is a lot of symptoms being shown in the children who are very low, like young children. So what are the precautions and what are the things that we need to keep in mind? So, this is true that children are considered a little bit more susceptible. Although, the data is, if we look at the second wave data, the distribution is the same as we saw in the first wave. But currently, the worry is that children are not vaccinated. They're also being protected because schools have been closed and therefore, they are a vulnerable population. Therefore, we have to be extra careful about exposure as far as children are concerned. When they go out, they must be taught how to wear a mask, regular hand washing, and we should be careful. Hopefully, now that vaccine trials have started for children, and some of the vaccines have got approval in the US for children, children may be vaccine lagna shuru ho jayega, so that should also help in protecting children. Luckily, children by and large have a milder illness, and therefore, they don't get that severe illness, at least. So, wave 3 बच्चों पे आएगा ऐसा बोल रहे, ऐसा है क्या? ये कहना मुश्किल है, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे अभी susceptible हैं,
और जब तक वेव थ्री आएगा तो ये लगता है कि और सबको शायद वैक्सीन काफी मात्रा में लग गया होगा, तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे लेकिन बच्चों में नहीं लगा हो। एंड एक क्वेश्चन सर मेंटल हेल्थ पे भी आया था कि सबका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गया है सर, जो अफेक्टेड है नहीं अफेक्टेड उसके वजह से लोग ज्यादा, आई मीन चेतना वाज आल्सो सेइंग कि लोग सब कोविड सफर करके आए हैं बट मेंटल हेल्थ का सलूशन नहीं है सर, तो क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन तो नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, दिस पैंडेमिक हैज रियली कॉज अ ह्यूज स्ट्रेन एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसर्न्ड, और उसके कई कारण है। एक तो फियर ऑफ कोविड है, एक जैसे मैंने डिस्कस किया कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ, थर्ड इज द लॉकडाउन इटसेल्फ, बच्चे जो हैं वो घर पे इतने महीनों के लिए बंद हैं, पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, देयर हैज बीन इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग रिपोर्टेड एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेन, बिकॉज आवर होल लाइफ एज वी न्यू इट इन प्री कोविड हैज चेंज्ड एंड पीपल हैव नॉट बीन एबल टू ट्रैवल, पीपल आर सॉर्ट ऑफ कूप्ड अप वर्किंग फ्रॉम होम एंड देयरफॉर मेंटल हेल्थ हैज बिकम अ बिग इशू। We have started helplines, we have tried to approach people and even for healthcare workers. So mental health for healthcare workers also. Doctors are going into fatigue and now with so many people dying and so, there is a lot of stress that they're also going through. So we are trying to develop group sessions, getting people to talk to each other, encouraging people to talk to each other through the phone, through the internet or through the smartphones. जिससे दे कैन डिस्कस इश्यूज विद देमसेल्फ, डी-स्ट्रेस देमसेल्फ एंड लाइक यू सेड लुक एट अदर स्ट्रेटजीज। तो मैं सब लोगों को यही इनकरेज करूंगा कि इवन इफ यू आर अलोन एट होम, यू आर नॉट अलोन, यू मे बी फिजिकली अलोन बट सोशली यू मस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट अलोन। देयरफॉर मेक फ्रेंड्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स एवरी डे, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स शुड टॉक टू देयर चिल्ड्रन एवरी डे, so that you continue with that bonding and you're able to really de-stress each other and are able to interact with each other. Ye bahut zaruri hai kyunki this is a new in this time of COVID, both because of the lockdown, because of isolation and because of a change in our lifestyle and the disease itself. Sir, I want to ask you that you have the vaccinations available for kids above 12 years but not about below 12 years. So how safe are the kids below 12 years if they don't have the vaccination available? Currently, we have to protect them as much as we can. But because vaccination for them is not approved, Bharat Biotech has now started a study for vaccination from 2 years onwards. So they will have the data out in the next 3-4 months. So by August, September, we will be able to have data which approval of giving vaccination for children above the age of 2 years. But till that time, we must be very careful because children are still vulnerable. Luckily, they have milder infection, as I mentioned. Dr. Guleria, thank you for your time. Thank you for making this in this pandemic phase where you're working. So your message for everybody, it really matters to us. And before you give the message, sir, we genuinely thank you, all of us here. I think bolna asaan hota hai. But jo aap kar rahe hai, uske beech mein aap itna hume attend karte hai, you're attending. I think it is very rare. मैंने किसी को नहीं देखा इतना लोगों को inform करते हुए. You have just been there as much you've been in OPDs. So hats off to you and your message for everyone. Thank you. We have to come out of this pandemic in as one and we have to fight together. So as citizens, we have to follow COVID appropriate behavior. Make sure that we don't allow the virus to spread. This virus spreads from person to person. Yes. अगर हम human chain of transmission को रोक देंगे तो वायरस आगे नहीं फैलेगा। सो वे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग क्राउड इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर एनी क्राउड कैन बिकम अ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट एंड व्हाटएवर गेन्ड कैन बी लॉस्ट। सो आई वुड रियली अपील टू एवरीवन दैट लेट्स गेट टुगेदर इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड। वी डॉक्टर्स विल डू आवर पार्ट बट आई वांट द सिटीजंस टू डू देयर पार्ट।